हिंदी में आप लोग बिल्कुल अपना सेमेस्टर एग्जाम दे सकते हैं। तो इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं कि टोटली 10 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन का आंसर हिंदी में दे सकते हैं, कितने क्वेश्चन का आंसर इंग्लिश में दे सकते हैं। इसके साथ साथ आप सभी को भी बताने वाले हैं, और आप लोग सबसे ज्यादा कमेंट कर रहे थे कि सर हम लोग एग्जाम सेंटर में आखिर क्या क्या लेकर के जाएंगे, सर कुछ बता दीजिए, सर हम लोग जूता पहन के जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, सर एडमिट कार्ड के साथ क्या क्या लेकर के जाना होगा, कौन से कलम से लिखेंगे, सर जो डायग्राम होगा उसको कैसे ड्रॉ करेंगे, पेंसिल से या पेन से, और जो केसियो है यानी कैलकुलेटर उसको लेकर के जा सकते हैं या नहीं लेकर के जा सकते हैं, जो अपना मोबाइल है उसको कहाँ पर रखेंगे। यानी आप लोग के द्वारा जितना भी कमेंट किया गया है सभी कमेंट का आंसर इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को देने वाले हैं। तो अगर आप लोग भी SBTU बिहार पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट है, चाहे आपका सेमेस्टर कोई भी क्यों ना हो, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा ताकि आपका जो डाउट हो वो क्लियर हो जाए। तो चलिए सबसे पहले आपको बता दे कि हिंदी में आखिर आप लोग कितने क्वेश्चन तक का आंसर लिख सकते हैं। तो इसके पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग आप सभी की अपने YouTube चैनल डिप्लोमा क्लासेस पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आप सभी के पास जाते रहे। और जैसा कि आप सभी को मालूम होगा और मालूम नहीं होगा तो आप सभी को बता देते हैं कि आप सभी के अपने YouTube चैनल डिप्लोमा क्लासेस और सिर्फ डिप्लोमा क्लासेस के माध्यम से ही आपके जितने सारे डाउट है, जितने सारे कमेंट है, सभी को रीड किया जाता है। रीड करने के साथ साथ उसका सटीक रूप से आंसर भी दिया जाता है। इसके साथ साथ सेमेस्टर 1 से लेकर के सेमेस्टर 6 तक जितने सारे PYQ क्वेश्चन से उसको यहाँ पे अपलोड किया जाता है। इसके साथ साथ समय समय पे जितना सारे अपडेट होते हैं SBTU बिहार पॉलिटेक्निक का सबसे पहले और सटीक रूप से दिए जाता है। तो अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप लोग से रिक्वेस्ट है आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आप सभी के पास जाती रहे। और आपके व्हाट्सएप में जितने भी ग्रुप होगा, यानी आपके मोबाइल में जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप होगा जिसमें आपके दोस्त होंगे पॉलिटेक्निक वाला, तो उस ग्रुप में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपके जो दोस्त होंगे वो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे और उनको भी मालूम चल जाएगा कि हिंदी में आखिर कितने क्वेश्चन वो लोग लिख सकते हैं, क्या क्या लेकर के जाना है, और जितने भी क्वेश्चन है वो सब कुछ। और जिनको भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए होगा तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को दे दिया गया है, आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, जो PYQ क्वेश्चन से वहां पे हम अपलोड कर दिए हैं। तो चलिए आप सभी का टाइम को नहीं लेते हुए आपके जितने भी क्वेश्चन से सबका आंसर दे देते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि सर हम लोग हिंदी में अपना एग्जाम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। तो देखिए हम आज 3 या 4 कॉलेज के सर लोग से बात किए हैं जो लोग कॉपी चेक करते हैं, तो उनके द्वारा यही बताया गया है अगर आप लोग SBTU बिहार पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं और फर्स्ट सेम के हैं या सेकेंड सेम के हैं, तो देखिए आपके एग्जाम में टोटली 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन में और 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन में, तो टोटली हो गया 10 क्वेश्चन। तो 10 क्वेश्चन में से आप लोग 5 क्वेश्चन तक का आंसर हिंदी में दे सकते हैं, ओनली 5 क्वेश्चन तक का आप लोग आंसर हिंदी में दे सकते हैं या हिंदी इंग्लिश दोनों को रिमिक्स करके दे सकते हैं। ये सिर्फ लागू होगा फर्स्ट एवं सेकेंड सेम के स्टूडेंट के लिए, बाकी जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स के स्टूडेंट हैं तो आप लोग भी एक एक क्वेश्चन का 1 या 2 मैक्सिमम 2 क्वेश्चन तक का आंसर आप लोग हिंदी में दे सकते हैं, 2 से ज्यादा को दे दीजिएगा तो नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन जो फर्स्ट एवं सेकेंड सेम के स्टूडेंट हैं वो लोग 5 क्वेश्चन तक का आंसर हिंदी में या हिंदी इंग्लिश दोनों को मिक्सअप करके लिख सकते हैं,
इस बात को आज हम 3 या 4 पॉलिटेक्निक कॉलेज के सर लोग से बात किए हैं, जो लोग कॉपी चेक करने के लिए जाते हैं वो लोग हमको बताए हुए हैं। लेकिन जब आप लोग हिंदी में लिखिएगा तो आपको एक बात का ध्यान देना होगा, जो आपका राइटिंग होगा वो अच्छा होना चाहिए। तो आप लोग बिल्कुल हिंदी में लिख सकते हैं। तो आपका बहुत बड़ा डाउट था कि सर हिंदी में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आखिर क्या होगा कैसे होगा। तो आप सभी को बता दें, जो आपका डाउट है और डिप्लोमा क्लासेस के माध्यम से उसको सॉल्व करा दिया गया है। शायद अब आपका जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर मिल गया होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं कि एग्जाम हॉल में आखिर क्या क्या लेकर के जाने हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपका जो एडमिट कार्ड है उसको लेकर के जाना है। स्टूडेंट लोग का क्वेश्चन आ रहा था कि सर एडमिट कार्ड पे सर का सिग्नेचर भी चाहिए या नहीं चाहिए। आप सभी को बता दे, जो आपका एडमिट कार्ड है उस पर किसी का भी सिग्नेचर नहीं चाहिए। आपको सिंपल एडमिट कार्ड लेकर के जाना है। इसके साथ साथ अगर आपके पास आई कार्ड हो तो आपको आई कार्ड को लेकर ही जाना है। जो आपका एडमिट कार्ड है उससे आपको एंट्री मिलेगा, लेकिन जो आपका आई कार्ड होगा उससे आपको पहचाना जाएगा कि आप वही स्टूडेंट है या कोई और स्टूडेंट एग्जाम दे रहा है। तो आई कार्ड को लेकर के जाना ही होगा। अगर आप लोग आई कार्ड लेकर के नहीं जाएंगे तो शायद आपको कुछ प्रॉब्लम का मतलब सामना करना पड़े, इसीलिए आई कार्ड को ले लीजिएगा। अगर जिसके पास आई कार्ड नहीं होगा तो रेयर केस में आप लोग आधार कार्ड को भी ले सकते हैं। और जिसका भी क्वेश्चन था कि सर कैलकुलेटर अलाउ है कि नहीं है, तो बिल्कुल अलाउ है, ये पॉलिटेक्निक है। और यहाँ पर जो आप लोगों का साइंटिफिक कैलकुलेटर है आप लोग उसको लेकर के जा सकते हैं। अगर जिसके पास होगा वो ले लीजिएगा, जिसके पास नहीं होगा तो आप लोग अपने सीनियर से मांग लीजिएगा, क्योंकि जो आपका केसीओ है वो आपका जो कैलकुलेशन है उसको बिल्कुल इजी कर देता है। अगर आप लोग उसको खुद से सॉल्व कीजिएगा तो कम से कम आपका समय लग जाएगा 10 मिनट, और केसीओ से सॉल्व कीजिएगा तो बस 1 से 2 मिनट में ही वो सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जूता पहन के जाएंगे या ऐसे जाएंगे। तो देखिए, इसमें कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, आप जूता पहन के भी जा सकते हैं, सैंडल पहन के भी जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर ड्रेस पहन के जाएंगे या बिना ड्रेस पहन के जाएंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप ड्रेस में भी जा सकते हैं और विदाउट ड्रेस में भी जा सकते हैं। एक और आप सभी को बात बोलेंगे, आप लोग पानी पीने के लिए एक बोतल को रख लीजिएगा, क्योंकि कहीं कहीं पे पानी पीने का व्यवस्था होता भी है नहीं भी होता है। हम आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे, आप लोग जो है पानी का बोतल को लेकर के जाइएगा। इसके साथ साथ आप सभी को बता दे कि जो ड्राइंग है यानी जो आपका कॉपी होगा वो कितना पेज का होगा, तो टोटली 24 पेज का होगा। स्टूडेंट लोग ये भी बोलते हैं कि सर कॉपी फुल करने से नंबर मिलता है या लिखने से मिलता है। आप सभी को बता दे, कॉपी में जिस तरह से लिखिएगा उसी तरह से आपको नंबर मिलेगा। एक और बात है कि 24 पेज में कम से कम कितना पेज तक लिखना होगा, तो आप लोग कम से कम 10 प्लस पेज लिखने का प्रयास कीजिएगा। 10 प्लस पेज आप लोग लिखते हैं वैसे पेज कोई डिपेंड नहीं करता है कि पेज पर नंबर मिलेगा। कोई कोई टीचर होते हैं जो पेज पर नंबर देते हैं, बाकी जितने भी सर लोग हैं आप लोग जैसे कॉपी में लिखेंगे उसी के आधार पर आपको नंबर देते हैं। तो आप लोग सही लिखिएगा, सटीक लिखिएगा, पेज भरने के चक्कर में ना रहिएगा। अब रहा बात जो कॉपी होगा उसमें डायग्राम कौन पेंसिल से बनाएंगे या पेन से बनाएंगे। तो देखिए, पहले जो आप लोग का कॉपी था वो हैंड रीड मतलब हैंड से चेक होता था, अब क्या है कि स्कैनिंग करके चेक होगा। तो स्कैनिंग जब होगा तो जो आपका पेंसिल होगा वो उसको मतलब कैप्चर नहीं कर पाएगा स्कैनिंग को। तो आप लोग को एक बात बोलना चाहेंगे, आप लोग जो है ब्लैक पेन से डायग्राम को बना लीजिएगा अपने कॉपी में, ताकि जब स्कैनिंग हो तो बहुत अच्छे से उसमें फिगर आ सके। क्योंकि आप सभी को एक बात बता दे, यह पॉलिटेक्निक है, इंजीनियरिंग है, यहाँ पे आपके थ्योरी पर नंबर नहीं मिलता है, आपके डायग्राम के ऊपर नंबर मिलता है। तो अगर आप लोग डायग्राम अच्छा से बना लेते हैं तो आपका नंबर बिल्कुल मिलेगा। और रहा बात कि सर अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो कैसे होगा क्या होगा,
आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिए, उसको रटिए, चाहे आपको कितना भी समय क्यों न लग जाए, आपको पास होना है। एग्जाम से पहले वाले रात में आपको ज्यादा देर नहीं सोना है, जितना पढ़िएगा उतना ही आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि आप लोग जो पहले पढ़ रहे होंगे उसको भूल गए होंगे। एग्जाम से एक रात पहले जो आप लोग पढ़ाई करेंगे वही आपको काम देगा एग्जाम में। तो बस यही कुछ बात था जो आप लोग कमेंट किए थे, और उम्मीद है कि आपके जितने भी क्वेश्चन थे, जितना भी डाउट था, सबको बता दिए। अब कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी डाउट होगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो भी लोग अभी तक शेयर नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज आप लोग कर दीजिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, और आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।